गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सो रहा हूँ, आप कैसे हो? आधी आधी कच्ची नींद में सो रहा हूँ मैं तो। मम्मी पापा को परेशान कर रात को मैंने परेशान किया है। 4 बजे कितने बजे? 4:15 को वो तो उठे गई बेचारा, दूध ना पी। दूध नहीं पीना अब दोबारा उठ के? अब तो पी रहा थोड़ी देर में। दूधी दूधी कर दूधी दूधी दीदी दूधी दूधी होती है इसको। तो पापा चाय पी लो। तो अपन तो चाय वाय पी के तैयार होगा अपने कार्य को गति देने के लिए। कार्य को गति देने के लिए मुझे मम्मा फिर से सुला दो। ले बेटा मैं सुला रही हूँ आपकी, सुला रही पापा का बस बस चले तो मुझे उठा के बैठा दें। अभी हाँ चल ठीक है सोता। हेलो ये तैयार हो चुके हैं। यो मित्रो हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे जितने भी मेरे टीचर्स हैं उन सभी को, मेरे उस्ताद मेरे गुरुओं को हैप्पी टीचर्स डे। जिनसे हमने कुछ सीखा है, जिनसे भी हमने कुछ सीखा है, जिनसे भी मैंने कुछ भी सीखा है, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें, चाहे वो छोटा गुरु क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा गुरु क्यों ना, गुरु गुरु होता है। गुरु गुरु ठीक है। अपन हो चुका रेडी और फिर निकलते हैं, फिर मिलते हैं जी। तो छोटे उस्ताद को टाइम वो हो रहे हैं, चुप हो गया बहुत बड़ी बात है थोड़ी देर के लिए। चलो यो मैन। यो भाई मित्रों टीचर्स डे की खुशी में मिल चुके हैं मुझे उपहार, और देखो ये मेरे जो प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने दिया है। ठीक है अभी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, और एक चॉकलेट मिली है। एक्चुअली गिफ्ट तो सारे ही अच्छे हैं, इसको ऐसे कर लेता हूँ प्राइवेसी के, उसमें मैं नाम नहीं दिखाऊंगा भाई कुछ बच्चों। ये चॉकलेट जिसने दी है मेरे को उस बच्चे ने, वो एक आध गिफ्ट और लाया था, लेकिन वो मैम ने लेके उसका किसी और टीचर को दे दिया, तो उसने फिर मेरे को चॉकलेट दी। बाकी अच्छी है ये भी, और ये फ्लावर मिला। अरे टूट कैसे गया? अरे वो निकल गया। अच्छा निकल गया, ये तो फूल मिला है मेरे को। अंदर करो और ये आ गया इतना। और ये है, खोलूँ इसमें क्या क्या है? ठीक है आ जाओ मित्रों। ये रलव कुमार सर कर दें अनबॉक्सिंग जी, कर लें अनबॉक्सिंग। ये 3 बच्चों ने दिया है एक साथ मिलकर। अच्छा। ठीक है 3 मेरे स्टूडेंट उन्होंने दिया है मिलकर, तो नाम मैं प्राइवेसी की उसमें मैं बता नहीं सकता, तो आप समझ सकते हो। ठीक है भैया खोलते हैं इसको, एक्साइटमेंट है, जल्दी से गिफ्ट खोलें। अनरैप करते हैं, पैकिंग वैकिंग भी मस्त करा के लाए हैं बच्चे। थैंक यू सो मच इतने यो प्यारे यो। प्यारे गिफ्ट देने के लिए। यो यो बड़ी टाइट पैकिंग कर रखी है इसमें। चलो भाई इसको खोलते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या है इसके अंदर। वाओ एकदम मस्त है यार। वाओ बेस्ट विशेस। अच्छा पेन, अमेजिंग नाइस बेहतरीन। ये भी देखो पेन भी है इधर। टीचर्स डे अच्छा यार, चलो चलते हैं। अच्छा इसको ऐसे रख दो, हमें अपने स्कूल टाइम क्यों नहीं याद। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्कूल टाइम याद आ गया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। और अब हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, इसको ऐसे दिखा देता हूं। मुझे तो अपने स्कूल टाइम याद आ गया बचपन वाले। यहां से देख लो ऐसी पैकिंग है इसकी। यो मैम बच्चों के मैंने नाम हाइड कर दिए, ठीक है प्राइवेसी के चक्कर में। अब इसको खोलते हैं हम, इसकी पैकिंग बड़ी प्यारी कर रखी है। तो भैया मजा आ गया यार, आज तो काफी कुछ ले किया है, टीचर्स डे था ना आज। देखते हैं क्या है इसके अंदर। कुछ इसमें तुम्हारे हिसाब से क्या हो सकता है यार? ऐसे तो बॉक्स तो बहुत टाइप के होते हैं, मैं कैसे गैस लगाऊं? या तो शो पीस हो सकता है, कोई शो पीस टाइप ऑफ। देखते हैं खुल जा सिम सिम खुल जा खुल जा खुल जा। बॉटल जैसी लग रही है। बॉटल शायद। वाओ क्या है इसके अंदर। लो भाई मित्रों अनबॉक्सिंग होने जा रही है। कह रही कुछ ज्यादा ही अच्छे अच्छे गिफ्ट दे दिए बच्चों ने, मतलब इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। 450 ml यानी कि बॉटल है बेटे, साफ साफ ये 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 तुम्हारे मतलब का सौदा दे दिया बच्चों ने, है ना। कितनी अच्छी बॉटल है यार, अच्छी है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है या वो है? हाँ ये सी प्लास्टिक का, दिखा ना कांच है, एयर टाइट भी है पूरा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। मैं कुछ भी कह दिया तो आप लोगों ने सर को, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं यूज कर लूंगी। बहुत ही मस्त पूरा अच्छा सर की चीज है, मैडम ने एयर टाइट है बोतल। चलो भाई थैंक यू इसके लिए। चॉकलेट तो सर खा लेंगे। हाँ चॉकलेट मैं खा लूंगा। चॉकलेट है, चॉकलेट को हम बाद में अनबॉक्सिंग करेंगे, करनी है अभी। तुम्हारा मेल्ट हो रही है? मेल्ट हो रही है तो फ्रिज में रख दो।
थोड़ा सा, चलो खा लेता हूँ, थोड़ी सी खा लेता हूँ अभी। जी बिल्कुल, रोज भी अच्छा है, लव जी वहाँ पे लगा देना, इधर लगा देंगे, यहाँ पे रख दूंगी इस साइड में, रोज उधर लगा देंगे, इसको खोल लेते हैं। और ये पेन वाला भी इधर ही रख दूंगी जगह बना के। फ्रूट एंड नट है क्या? हाँ फ्रूट एंड नट है, हाँ अच्छी होती है, फेवरेट है फ्रूट एंड नट। मैन डेयरी मिल्क तो वैसे अच्छी होती है। वाओ, मुझे भी दे देना जरा। हाँ हाँ लो भाई, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, ये तो मेरे, लो जी खा लो आप लोग भी, लो आप लोग, अल्लाह ही है। थैंक यू जी, थैंक यू सभी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू जी, शो हो गया, बहुत दिनों बाद, सच बताऊं ना, बहुत दिनों बाद चॉकलेट खाई है मैंने, मजा आया, राखी पे खाई थी मंच, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही बढ़िया चॉकलेट होती है। ऐसा पे ना, पहले जब हम छोटे थे ना, ऐसे आता था, इसमें एक घड़ी भी बनी होती थी, लव जी ऐसे वाले भी आते थे ना, बहुत अच्छे आते थे, मजा आ गया यार आज तो, अच्छा है, बोतल भी मस्त लग रही है यार, गिफ्ट भी बहुत अच्छे हैं, बॉटल भी बहुत अच्छी, पेन भी बहुत अच्छा, रोज भी जूस वूस भर के रखो इसके अंदर, बेहतरीन है, बेहतरीन। थैंक यू, पानी पियो, कुछ भी रखो, मजा आ गया यार। माइक चल रहा था ना, कभी वो हो जाए लोल, मिस्टर लव कुमार सुन, स्टैंड इधर रखूंगा मैं, एकदम साइन करूंगा इस पे, चेक पे। यो और खानी है क्या? हाँ खा लूंगी मैं तो। ये जो मेरे लिए गिफ्ट लाई थी ये लड़की जिसने दिया है, तो उसका जो गिफ्ट है वो मैडम ने लेके किसी किसी को दिलवा दिया यार, मुझे बहुत वो आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, बट कोई नहीं यार, उसने चॉकलेट बचा के रखी मेरे लिए। वैसे जो गिफ्ट होते हैं ये बच्चों की चीजें होती हैं, जो बच्चे जिस टीचर्स को भी देना चाहें, ये हम भी अपने जबरदस्ती नहीं दिलवाना चाहिए, नहीं हम अपने टाइम पे थे, हम भी टीचर्स के लिए गिफ्ट ले आते थे, हमारी जो मर्जी होती थी हम उनको दे देते, अभी हम जितना वो होता था उतना ही कर पाते थे, मजा आ गया, पर जो भी है बहुत अच्छा लगे। चलो दोस्तों थोड़ी देर करता हूँ रेस्ट, आ गया जीशा, और गॉड ब्लेस यू जितने भी बच्चों ने, सबने मेरे विशेस सबके फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी शुभकामनाएं, ठीक है, थैंक यू सो मच। सारी साड़ियां पहन के आई है आज, है ना, बॉटल एंड पेन स्टैंड और एक रोज। ये बताइए तुम्हारा किसने रोल किया? मेरा रोल करा था बच्चों ने, इसलिए जो बच्चे इन्होंने दिए इसमें से एक लड़की थी, मतलब वो लुक रखा था अपने आप को, नहीं लुक तो वैसे अच्छा जैसे था नॉर्मल था, क्योंकि मेरे लुक के लिए तो फिर कुंडियां बनानी पड़ती ना, कोई नहीं वो तो बियर्ड तो नकली भी आ जाती है। अरे मैं ये बोल रही थी जैसे मतलब कुछ डायलॉग्स तो बोले होंगे जो तुम बोलते होगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे डायलॉग्स, हां फनी मोमेंट्स नहीं हुए स्कूल में, ऐसा तो कुछ नहीं। अरे यार बच्चों तुम लोगों ने मिस कर दिया यार, फिर तो होने चाहिए, मेरा एक्ट जो कर लेता ना एकदम समा बांध देता, समा मजा नहीं, समा सच में मैं बोल रही हूँ कि करना चाहिए था। अगर आप लोग कोई भी, अगर आने वाले टाइम पे जो भी बच्चे ये सुन रहे हैं, जो 11th वाले 10th वाले, कभी भी टीचर्स बनो ना, टीचर्स का रोल भी प्ले करो थोड़ा बहुत उसी स्टाइल में, जैसे मानो वो जो उनका गेटअप होता है उसमें से कोई एक चीज़ ले लो, बहुत मज़ा आता है अगर ऐसा करते। मैं तो यही सोचती, चल गेटअप उसने चेंज किया होगा, शायद कुछ तो रोल किया होगा उसने, जैसे तुम बोलते हो वो तो उसने इमरजेंसी में बाद में लिया था मेरा ऐप। अच्छा मैं तो सोचती पता नहीं क्या बोलते तुम, ऐसे तुम बच्चों में स्कूल में क्या बोलते हो, कुछ तो होगा कुछ यूनिक होगा सुनो जरा कुछ ऐसे कुछ तो बोलते होगे कुछ भी नहीं बोलता मैं, बेटे बोलते तो होगे कुछ कि बच्चे एक बार में सुन ले मैं इतना ज्यादा वो नहीं, नहीं स्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रही मेरे बच्चे, मुझे मैं पढ़ाता हूँ समझदार सभी, फनी वे में, जैसे कोई ऐसा नहीं कि बच्चों को सिर्फ स्ट्रिक्ट वे में रखो, मजाकबाजी भी करते रहते हैं पढ़ाते भी फनी वे में। चलो फिलहाल हम लोग यार वैसे कुछ आधी कर दी मैंने खाते खाते, हम लोग तो जरूर कर देते बचपन में। अभी यार थोड़ी ठीक हो जाए ना फिर तुम्हें दिखाऊंगा व्लॉगिंग कैडी करके एकदम, कौन मैं ठीक हो जाऊँ पहले, ठीक के खराब थोड़ी, खराब थोड़ी ना हो जाए, बस रिकवरी हो जाए, मतलब जल्दी जल्दी दौड़ नहीं पा रही हूँ मैं, मजा आ गया उठने के लिए भी ना ऐसे करके उठना पड़ता है, मजा आ गया। चलो भाई मित्रों मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद, मिलते हैं फिर, यो मैन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।